भाई जान हम एक घंटा लेट हुए हैं, तो हमारी 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक, अब 2 बज रहे हैं, माइनर रूटीन जो है ना वो लग गया। और सबसे मुश्किल स्टेशन यही होता है इसमें। ये देखिए ये हालात होते हैं इसमें। ये देखें जी खाली कर दिया, ये आज तक खाली नहीं हुआ लेकिन हमने इसे खाली कर दिया। डॉक्टर अरीबा आई हैं हमारी हेल्प करने के लिए, क्योंकि हमारी ड्यूटी लगी 8 से 9 घंटे की, तो और ये आई हैं डॉक्टर। हमारी 8-9 घंटे की ड्यूटी जो लगी है बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि आप दोनों अल्ट्रा लेजेंड्स जो है वो लेट आए थे। एक डॉक्टर जुनैद है हमारे पास, एक डॉक्टर ऑन है, दोनों लेट आए थे। जुनैद की तरफ करना कैमरा। हम 23 मार्च को छुट्टी वाले दिन जब सब छुट्टी करके बैठे हुए हैं, ठीक है, हम फिर भी 8 बजे आए, ठीक हो गया। तो फिर आप दोनों की क्या तक बनती थी 8 बजे ना आने, एहसान किया और किसी भी हो। ये देखें जी खाली टाइम देखें, 12 बज रहे हैं, हम दोनों ने तारीख रकम की है इसमें और मैंने। हेलो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है हमारी NOT, NOT मतलब होता है, NOT वैसे कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ सिम्स में ही टर्म है, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर न्यू बने थे तो इन्होंने न्यू ऑपरेशन थिएटर जो है ना वो रख दिए, और उसके साथ होती है MOT माइनर ऑपरेशन थिएटर, और ये होते हैं। आज हमारी ड्यूटी है यार, सर्जरी इतनी हेक्टिक है ना, टाइम ही नहीं मिलता लिटरली बाहर जो है ना वो निकलने का, तो इसलिए ब्लॉग ज़्यादा नहीं आ रहे। तो मैंने कहा आज हमारी 36 घंटे ही है, ये शुरू होती है 8 बजे से लेकर अगले दिन, फिर अगर केसेस हैं तो फिर जो है चलती ही जाएगी, जितने भी केसेस होंगे एमरजेंसी में सारे हमने जो है ना करा के जाने होते। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, देखें रवाना हैं अपने एमरजेंसी की तरफ, चलते हैं अपनी ड्यूटी देते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर वॉशअप भी होना पड़ता है, यानी अपग्रेड भी करवाने होते हैं, और माइनॉरिटी में स्टिचिंग वगैरह सारा कुछ ये यही होता है। चलते हैं जल्दी जल्दी। ये जी माइनर होती है भाई जान, हम एक घंटा लेट हुए हैं, तो हमारी 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक, अब 2 बज रहे हैं, माइनर रोटी जो है ना वो लग गई। और सबसे मुश्किल स्टेशन यही होता है इसमें, तो हमें सज़ा के तौर पर माइनर रोटी मिली है। कितने घंटे, 8 घंटे तक हमने माइनर रोटी, यहाँ पर 2 घंटे भी नहीं होते और हमें 8 घंटे करवाए जा रहे हैं। ये देखिए ये हालात होते हैं इसमें, काम होता है स्टिचिंग करना और डिब्राइडमेंट करना, यानी कि सारे मुश्किल काम यहीं पर ही होते हैं। ये देखिए आप देखिए, हम किसी दौर में खून से खेलते थे, अब नहाते हैं यार खून ही खून, तो आपको दिखा नहीं सकता। मैनर रोटी में सारा ब्लड ही ब्लड होता है, आप जब आएंगे ना तो जो कैसा लग रहा है एक्स्ट्रा ड्यूटी जो है ना वो डलवा के यार। देख बंदा वैसे आए ना नींद की हालत होगी, तो कम करने दिल नहीं करता, इवे हूँ अभी फ्रैश हाँ, कोई भी ड्यूटी तक उन्हें ड्यूटी अभी करना। हाँ ठीक हो गया सर, तुम भी आ गए यार, अब एक्स्ट्रा ड्यूटी लगी है तो देखते हैं। और लगाया भी बहुत मुश्किल स्टेशन, और वो भी 12 बजे, बहुत मुश्किल हो गया। ये देखें जी खाली कर दिया, ये आज तक खाली नहीं हुआ लेकिन हमने इसे खाली कर दिया। देखिए अंदर NOT और डॉक्टर अरीबा आई हैं हमारी हेल्प करने के लिए, क्योंकि हमारी ड्यूटी लगी 8 से 9 घंटे की, तो और ये आई हैं डॉक्टर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कैसा लगा हमें हमारी 8-9 घंटे की ड्यूटी जो लगी है? बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि आप दोनों अल्ट्रा लेजेंड्स जो है वो लेट आए थे। एक डॉक्टर जुनैद है हमारे पास, एक डॉक्टर ऑन है, दोनों लेट आए थे। जुनैद की तरफ करना कैमरा। हम 23 मार्च को छुट्टी वाले दिन जब सब छुट्टी करके बैठे हुए हैं, ठीक है, हम फिर भी 8 बजे आए, ठीक हो गया। तो फिर आप दोनों की क्या तक बनती थी 8 बजे ना आने? यार हम ना नींद पूरी करके जब फ्रेश हो गया है, हाँ तो हम बासी फिरते रहे, कोई मसला नहीं। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारी मदद के लिए, एहसान किया। मलाई रोटी नान रश बहुत लग रहा है, एम्बुलेंस देखिए। देखें जी फिर से डॉक्टर ऑन की 12 घंटे, 12 जो है ना बजने वाले, अभी हम यहाँ पर काम चेक करो। ये देखें जी खाली टाइम देखें, 12 बज रहे हैं,
हम दोनों ने तारीख रकम की है इसमें और मैंने दो एच ओज ने 12 घंटे एम ओ टी के माइनर रोटे जब आप जो है ना करेंगे तो पता चलेगा और खाली छोड़ के जा रहे हैं ऐसे ना जनाब। ये हैं जी यहाँ के ये देखें ये ऑपरेशन थिएटर रूम इस तरह का होता है। इस तरह के यहाँ पर तीन है चार हैं बल्कि एक ऑर्थोपेडिक और एक हमारा और यहाँ पर हर चीज़ पड़ी होती है एनेस्थीसिया का सामान वेंटिलेटर सारा कुछ और यहाँ पर हम करते हैं अपग्रेड यहाँ पे होता है अपग्रेड तो हर बंदे की ड्यूटीज़ होती हैं और वो वाशअप होता है ड्यूटी मैं आपको दिखाता हूँ ड्यूटी का रोस्टर है ये ड्यूटी का रोस्टर अब ओटी वन में यानी कि इसमें और उस बारे में ये देखें डी बैच होगा डी बैच मतलब ये लोग होंगे अच्छा ये सारा ये सब किताब है ऐसे यानी कि ओटी वन में अब आज एम ओटी हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक हम हुई है यहाँ तक और बाकी बैच उन्हें जो पेशेंट है तो ये ड्यूटी की डिवीजन होती है हमारी और इस तरह से हम ड्यूटी जो है ना करते हैं यहाँ पर। तो यार आज मौसम जो है ना लेवल बना हुआ है हम मैं यहाँ आया हुआ था बाहर तो हल्की हल्की सी बारिश हो रही है बिल्कुल बिश्कीक वाला ही जो है ना वो मौसम बना हुआ है हल्की हल्की सी बारिश हो रही है ऊपर से बादल जो है ना गरज रहे हैं और हम यहाँ हॉस्पिटल के बाहर ठहरे। ये देखें ये यहाँ का जो पेड़ है और वो आपको हल्के हल्के से बादल और बारिश तो शायद नहीं नज़र आ सकती और ये यहाँ का डायलिसिस सेंटर है और पीछे हमारे एमरजेंसी है ये देखें ये यहाँ का पेड़ है ये अभी जो हमारी शहरी और हम करने लगे हैं शहर यार अफ्तारी हो गई है अभी शहरी हो गई है अभी 4 बज रहे हैं और थक गए हैं यार। तो यार अभी हमारी ड्यूटी हुई है एंड 6 बज रहे हैं सुबह के केस आज कोई एडमिट नहीं था अगर कोई केस होता तो हमें बैठना था हमें वाशअप होना था लेकिन हमारी खुशकिस्मती आज कोई भी नहीं था और हम जा रहे हैं ये देखें सुबह सवेरा हो रहा है आज बादल बने लाहौर में और बारिश हुई है ये हमारा ऐसे चल और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर अल्लाह हाफिज़ ओके बाय।